नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आज तो बताने का जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि आज किसान दिवस है। तो किसान दिवस के मौके पे ज्यादा भाषणबाजी तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे फाउंडर चेयरमैन फिरोज भाई है साथ में, तो चाहेंगे कि दो शब्द कम से कम किसानों के लिए बोले। हाँ, हेलो। आज यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज जो है ये जो हमारे देश के अन्नदाता है, आज उनका दिवस है, मतलब किसान दिवस। और ये दिवस को मनाते हुए आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एरिया में और बाकी सभी लोगों में और साथ ही साथ हमारे जहाँ पे इंडिया की टीम है, सारे देश में हम लोग किसान के साथ कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके मसाइल को जाकर मालूम करते हैं। उनके मसाइल को जानने के बाद जो भी अपना अथॉरिटी रहता है डिपार्टमेंट तक, उसको पहुँचाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आज किसान दिवस है, और किसान दिवस हम लोग हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं। और आज जो है हमारे जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर है चौधरी चरण सिंह, आज उनका बर्थडे है, उन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग ये दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसान के राइट्स के लिए, किसान के फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे आवाज़ भी उठाए थे और बहुत सारा काम किए थे। इस वजह से उनके जन्मदिन पे आज मनाया जाता है। और आज हम लोग भी यहाँ पे केक काट के सेलिब्रेट करेंगे, साथ ही साथ जो है बच्चों को के साथ कुछ प्रोग्राम होंगे, कुछ बच्चों लोगों के लिए एजुकेशन और फैसिलिटीज़ के लिए बात करेंगे, और उसको फिर टाइम टू टाइम हम लोग जैसे करते हैं करते आएंगे। तो ज़्यादा इसको देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग आज जो किसान दिवस है और सिर्फ किसानी दिवस पर हम लोग फोकस करेंगे, और इसको केक काट के आज इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद फिरोज भाई। अब हम चाहेंगे कि किसान दिवस है और हम सभी लोग किसान ही हैं, तो कोई अगर इच्छुक हैं चाचा लोग दो शब्द बोलने के लिए तो बोलिए। चाचा से ही हम अनुरोध करेंगे दो लाइन। ऐसे तो आदमी बोलते हैं किसान, किसान इसका शान बहुत बड़ा है। एक ऐसा भी भाषा है जो बोलता है किसान, इसका शान कहाँ है, इसका शान भी नहीं है, और मानने से इसका शान बहुत बड़ा है। आइए आप लोग, सब लोग एक साथ पकड़िए, आइए। अरे ठीक है, आइए आप लोग, आइए अली मले। धन्यवाद। स्लाइस भाई, Assemblies of God Church School मिशन से आए हैं, आसनसोल से आए हैं, जीटी रोड आसनसोल से आए हैं, और हम आए हैं इसलिए कि हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
बड़ा दिन यीशु मसीह संसार में आया, पापियों को प्यार करते हुए, लोगों को प्यार करते हुए, और लोग जिसके पास कुछ नहीं उनको कुछ कुछ देने के लिए। तो इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पर, विशेष करके बहुत सारे दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना वितरण करने हम आए हैं, उनको बताने आए कि यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। इस बीच में सर देखा कि आप गाना वाना भी गाए हैं। हाँ, और हम जब जाते हैं हम थोड़ा गाना गा के जाते हैं ताकि लोग भी खाली आके खा के ना चल जाए, लेकिन एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव का माहौल हो, और एक जन्मदिन, यीशु मसीह का जन्मदिन हमारे प्रभु का जन्मदिन है, तो इसलिए हम थोड़ा नाचते गाते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लोगों को भी नचवाते हैं, और उनको उनको प्रार्थना करते हैं इस समय में। कैसा लगा सर इस जगह में? बहुत अच्छा लगा, और बहुत दुख भी लगा लोगों को देखकर, बहुत दुखी लोग हैं, बहुत कष्ट में, छोटे बच्चे, अच्छे से कपड़े भी नहीं है उनके पास, ये गरीब में, और बहुत सारे विषय हमारे हृदय में है इस जगह के लिए करने के लिए। को बहुत बहुत खाने के ऊपर स्वर्गीय हाथ आने पर विधानसभा वाइज चल रहा है, और उसी तहत आज हम लोग उल्टी विधानसभा का एक नियामक बाजार धर्मशाला के सामने ये धरना प्रदर्शन में हम लोग आए हैं, जो 12 बजे से 4 बजे तक हम लोगों का हो रहा है इसी के कारण, और आगे आने वाला दिन में महिला सुरक्षित रहे इस पश्चिम बंगाल की भूमि में, इसी के लिए आज ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का। आज कौन कौन उपस्थित थे यहाँ पे? आज यहाँ उपस्थित है हम लोगों का ही आसानसोल जिला संगठन जिला का महिला सभापति सभा नेत्री पापिया पाल दी, साधारण संपादक परमिता पटनायक, वाइस प्रेसिडेंट तनुजा सिन्हा, दो संपादिका, एक है आठ नौ महिला असुरक्षा
আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে একজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা থাকা সত্ত্বেও যে আমাদের মহিলাদের ওপর যে দিন দিন ধর্ষণ অত্যাচার বেড়ে চলেছে এবং তার কোনো রকম আইনি পদক্ষেপ বা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, সেই কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে এবং মহিলা মোর্চায় উদ্যোগে আর নয় মহিলা অসুরক্ষা 21-24 ধর্ণা কর্মসূচি প্রতিটা বিধানসভা বাইজ আমরা চালু করেছি। আজকে আমাদের এই ধর্ণা কর্মসূচি তিন জায়গায় হয়েছে, হচ্ছে এক বাড়াবনি বিধানসভাতে হয়েছেন রূপনারায়ণপুরে, উল্টিতে হলো বিধানসভা নিউ রোড এবং অন্ডালেও আছে এসডিএফের সামনে। এই ধর্ণা কর্মসূচি 12-4 পর্যন্ত আমাদের চলছে এবং আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমরা মহিলা মোর্চা আরও বড় আন্দোলনে নামব।